वाइफ की पार्किंग में पहुंचा है, अभी यहाँ से हाइकिंग शुरू करते हैं। एक बार बाइक वगैरह पार्किंग में लगा लें, फिर चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं आपको टाइल 5-5। पार्किंग में देखें आप, माशाल्लाह बहुत रश है आज। लोग फिटनेस का शौक रखते हैं इस्लामाबाद में। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ये एक ट्रायल है, ट्रायल 5। इसी तरह 4, 3, 2, उन पे भी इसी तरह, इससे ज़्यादा रश होगा। ये ट्रायल 5 का एंट्रेंस है, यहाँ से ट्रायल 5 स्टार्ट होता है। तो चलते हैं अभी ट्रायल 5 पे। बशीर साहब तो पहले भी आ चुके हैं, ये जवान है असद, इसका देखते हैं क्या स्टेमिना है, आज कितनी हैकिंग कर लेते हैं। रेडी? तकरीबन 7 किलोमीटर है वन साइडेड, तो आना जाना 14 किलोमीटर हो जाता है अगर कंप्लीट किया जाए तो। इंशाल्लाह कोशिश तो है, कंप्लीट करेंगे। साल हो गए, अभी देखते हैं स्टेमिना। प्रॉपर ट्रायल यहाँ से स्टार्ट होता है अपना, यहाँ से आगे हैकिंग स्टार्ट हो जाती है। इससे पहले एक चेक पोस्ट है जंग महकमा फॉरेस्ट वालों की, तो इससे आगे अभी प्रॉपर हैकिंग ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। और उस प्लान से ही लोग वापस आ जाते हैं। बताओ जी, रश की वजह क्या है? रश की वजह यह है कि इसका जो स्टार्ट एरिया है वो तकरीबन 3 किलोमीटर का जो प्लान एरिया है, तो जो लोग ऊपर नहीं जाना चाहते वो प्लान एरिया से ही वापस आ जाते हैं। बच्चे बच्चों को साथ लेकर जाया जा सकता है आसानी से। इसके अलावा कोई बूढ़ा हो या फर्स्ट टाइम हो किसी का। कैमरे में हेलो असद भाई, किधर गई मोटिवेशन? सब यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि नहीं है? ये वाला है या नहीं? ये है ऊपर ऊपर।
शॉर्टकट ट्रेल फाइन ब्रेक भी खत्म है तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट जर्नी। वाटर ब्रेक इलाके के चैनल किसका है आप लोगों में से? वो आगे जो जा रहा है उसको पकड़ाओ ना ये सेल्फी स्टिक पे। ए ओए भाई ये भाई सेल्फी स्टिक पकड़ा है। अच्छा ये जाफर भाई हमें मिले ट्रेल 5 पे तो ये हमें गाइड कर रहे हैं थोड़ा क्योंकि इस ट्रेल 5 के दो ट्रैक है हम मेन ट्रैक छोड़ के दूसरे ट्रैक पे आए हैं शॉर्टकट से जा रहे हैं तो ये हमें थोड़ा गाइड कर रहे हैं। अच्छा थैंक यू उन्होंने जिस अंदाज से कहा ना अच्छा ये हमें ऊपर जाके पता लगेगा। पूरा टूर ही जो कहां थकने हो फायर लाइन आती है थोड़ा स्पेस रास्ते में। हां हां वो फायर दो अंदाज रास्ते हैं एक शॉर्टकट जाता है साइड से। नहीं नहीं हम शॉर्टकट नहीं 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 शॉर्टकट पे नहीं जाना सीधा जाओ कोई मसला नहीं सीधा जाना व्यू अच्छा आता है। चली जाती हैं यार बिल्कुल लड़कियां चली जाती हैं लड़कियां ले जाओ थाने से छोड़ दे लड़कियों के साथ रह रही हैं मम्मी लड़की कॉन्फिडेंस इंडस्ट्री वाले बढ़ा देते हैं। सबसे सबसे मुश्किल काम है अपने आप को प्रेजेंट करना। बिल्कुल बिल्कुल प्रेजेंटेशन स्किल्स आनी चाहिए उसको आप कैमरे के सामने ला के बोलते हो प्रेजेंट करते हो सबसे मुश्किल काम है। सेवर के चक्कर में आ रहा है बाकी इसका इरादा कोई नहीं था हैकिंग पे यहाँ तक पहुँचने का सिर्फ सेवर मोटिवेशन मिली है इसको तो उस चक्कर में आ रहा है। लास्ट 15 मिनट अभी कंटिन्यू चलेंगे और बस इंशाल्लाह फिर ट्रायल 5 एंड फायर लाइन स्टार्ट हो जाएगी। ट्रायल 5 की ये टॉप नजर आ रहा होगा आपको तो भी एंड पॉइंट यही है फायर लाइन इसके बाद आगे नीचे उतर के पीछे ट्रायल 3 शुरू हो जाता है। शीर साहब लीड करेंगे इस काफिले को तहम्मुल और सबर के साथ। साल गुजर गया 2021 फरवरी में आए थे किडनी में दर्द हो रहा है फिलहाल वापसी शॉर्टकट आ जाएंगे दूसरी तरफ से जाना लंबे रास्ते से ये हम ना खुवार इधर मेरी तरफ मोड़े ये हम खुवार जो है ना ये उस बंदे की वजह से ही जिसने ट्रैक सूट किया ये हमें ऐसी जगह पे लेके गया जहां फर्स्ट टाइम है आप लोगों का ना बंदे की साथ सबका फर्स्ट टाइम है नहीं नहीं मेरा सेकंड टाइम है भाई इधर से वापस आना थोड़ा डेंजरस है सेम इसी रास्ते से फायर लाइन पे नहीं, नहीं, बाकी कोई नहीं पीछे शॉर्टकट है इसका नीचे वहां पे मैच हो जाए और फिर ठीक है फिर तो कोई मुश्किल नहीं है। This is life of Christmas, this is life.
आप लोगों ने कैमरा पकड़ना है यहाँ पे हमने ऊपर चले जाओ एक अच्छा ऊपर ले वन बाय वन करते जाए आगे इसी तरह बैक की वीडियो बनती है बनाए खड़ा दो या पकड़ वापसी का रास्ता हो रहा है यार वापसी पे वो दूसरा लंबा रास्ता ले शेर सुनाए शादी के लड्डू वाला उम्मीदें बाहर वेरी गुड असद भाई यहाँ पे सेवर की मंजिल कंप्लीट हुई सेवर नहीं आज मैं को और सेवर सेवर के लालच में यहाँ तक पहुँचाया बंदा ये चश्मे पे थक गया था उसके बाद इसको सेवर का सेल किया हुआ अगला सफर ये थोड़ा सा है ट्रायल फाइव का एंड के लिए असद भाई भी मोटिवेट है माशाल्लाह जो थकना था थक लिया भी इसको सेवर कराना है जाके नीचे इसी सेवर की खुशी में बंदा जा रहा है भाई ने शर्त लगाई थी इधर इधर बशीर भाई अब बताएं भाई ने ना शर्त लगाई थी कि आप ऊपर नहीं जा सकते मैंने इनको कहा आप शादी पे आपको हाइकिंग कराऊं एंजॉयमेंट होगी आप यहाँ तो ये इस तरह के क्या कहते हैं बशीर भाई आपने शादी ईद के दूसरे दिन रखी थी दूसरे नहीं थी चौथे दिन नहीं लॉकडाउन था तब लॉकडाउन में नहीं आ सके नेचुरल ब्यूटी क्या है